गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग को मैं आज आप लोग के साथ में एक रेसिपी लेके आई हूँ। तो वो रेसिपी के साथ साथ मुखबांग भी होगा, क्योंकि कुक करने के बाद मैं खाऊंगी भी, तो वो भी आप लोग को दिखाऊंगी। क्या चीज़ मैं कुक कर रही हूँ वो भी आप लोग के दिखाऊंगी मैं। तो आप लोग मेरे चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड लाइक कमेंट जितना मर्जी हो आप लोग कर दो, कमेंट ठोक दो, लाइक ठोक दो, जितना मर्जी हो शेयर कर दो। आप लोग जैसे प्यार करते हो ऐसे प्यार करने वाले लोग तक मेरा वीडियो पहुंचा दो, ताकि वो लोग भी मेरा वीडियो देख के प्यार करें आप लोग जैसा, है ना। ओके, तो मुझे और ज़्यादा इनकरेजमेंट मिलेगा, अच्छा अच्छा वीडियो लेके आऊँगी मैं आप लोग के लिए, एंटरटेनमेंट वाला, है ना, सब ऑल टाइप्स ऑफ वीडियो। तो गाइस, अभी अभी मैंने मुंह धोया है, मेरा थोड़ा टी शर्ट भी गीला हुआ रखा है। मैं अभी नहा धो के सब कुछ मेरा जो भी काम है वो ख़त्म करके मैं शुरू करूँगी वीडियो को। तो गाइस, आप लोग मेरे साथ बनते रहिए, आप लोग जो बहुत सारा मुझे प्यार दे दो, बहुत ज़्यादा प्यार दिखा दो मेरा यूट्यूब में। आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार मिलेगा तो हमें और ज़्यादा अच्छा अच्छा वीडियो लेने का इनकरेजमेंट मिलेगा ना, और ज़्यादा अच्छा अच्छा आप लोग के लिए एंटरटेनमेंट वाला, है ना, अच्छा अच्छा वो तो मैंने सब बोल दिया है आगे। तो गाइस, आप लोग मेरे साथ बनते रहिए, मैं आप लोग को दिखाते जाऊँगी, ठीक है। तो और एक चीज़, वो जो मैं कुक कर रही हूँ वो मैं अभी बाद में थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी आप लोग के साथ, एक्सक्यूज़ मी, थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी, क्योंकि अभी नहीं दिखाऊंगी मैं। आप लोग को एक चीज़ पता है गाइस, मुझे ना कुक करना बहुत अच्छा लगता है, सिर्फ मुझे कुकिंग अच्छा लगता है। मेरा क्या बोलूँ, किस लाइक अपने अपने लाइक होता है ना, हॉबी टाइप का होता है ना, एक कुकिंग करना किसी को अच्छा लगता है, जैसा मेरे को अच्छा लगता है कुकिंग करना, एंड फुटबॉल खेलना, बहुत ज़्यादा एक्सेट्रा, और भी बहुत ज़्यादा थिंग्स, सबको सबका अपने अपने होता है ना, ऐसे मेरा भी कुकिंग करना, आई लव कुकिंग। तो मैं कुकिंग वाला, खाना वाला वीडियो ज़्यादा डाल रही हूँ, आप लोग को पता ही चल गया होगा। आप लोग बोर मत होना मेरा वो कुकिंग वाला खाया हुआ वीडियो देख के। आप लोग बताइए किस टाइप का वीडियो लेके आऊँ मैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए गाइस, प्लीज़। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा, मैं कैसे आगे बढ़ूँगी। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करना, कमेंट कर देना, आप लोग बोलना किस टाइप का वीडियो बनाऊँ मैं बोल के, आप लोग आइडियाज़ देना। आप लोग देखते हो पर लाइक कमेंट नहीं करते हो गाइस, ये तो नहीं है ना, अच्छा नहीं लगता है ये। तो आप लोग लाइक कमेंट भी करना, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बनते रहिए, शुरू करते हैं वीडियो को गाइस। गाइस, मैं अभी नूडल्स के लिए वेजिटेबल्स लेके जा रही हूँ, इतना गर्मी है ना बेंगलोर, इतना गर्मी है ना, आप लोग को क्या बताऊँ। देखो इतना गर्मी है ना बेंगलोर, क्या बताओ। चलो चलते हैं, इतना दूर आके बाजार आके इतना गर्मी में आप लोग के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए मैं इतना एक कैबेज और कैरोट के लिए मैं इतना दूर आई हूँ, आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, क्या है ये। देखो गाइस, मैं अभी उधर से आई थी, इसको कटिंग करना पड़ेगा, इसको कट करके मिलती हूँ आप लोग से। तो गाइस, यहाँ पे कट भी हो गया है, कटिंग वटिंग फिनिश हो गया है। तो आज के रेसिपी में बन रहा है ये एग हक्का नूडल्स। तो आप लोग ने किस किस ने ये नूडल्स टेस्ट किया है आप लोग कमेंट में बताना। यहाँ पे कटिंग वटिंग सब फिनिश्ड हो गया है, मुझे कटिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है गाइस। मुझे ना कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, पर कटिंग वटिंग करना अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। देखो ये नूडल्स बन रहा है, अभी दिखाऊंगी। और
ये नूडल्स उबालने के लिए पानी गर्म हो रहा है। ये नूडल्स होता है कुछ इस टाइप का, अंदर से अच्छे से उबल रहा है। यहाँ पे इसको अच्छे से उबलने के लिए छोड़ देना चाहिए 7 to 8 minutes। तो गाइस यहाँ पे बन रहा है चाउमीन के लिए मसाला नूडल्स के लिए। तो गाइस मेरा नूडल्स कुछ इस टाइप का बना है, अच्छा लग रहा है देख, लाइक टेस्टी दिख रहा है या नहीं आप लोग कमेंट में बताइए। और ये वाला ना ये सॉस लाइक मेरे पास केचप नहीं था तो मैंने घर में ग्रीन चिल्ली एंड टमाटो के हेल्प से ये चटनी बना लिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो गाइस शुरू करते हैं। आप लोग को इतना ज़्यादा टेस्टी तो नहीं बना है पर भी ठीक ही है मेरे हिसाब से, ज़्यादा टेस्टी तो नहीं है लाइक होटल्स में बनता है ना ये चटनी। मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाती हूँ, होटल्स में बनता है ना, होटल में बनने टाइप का तो नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे कैप्सिकम नहीं डाला, अजीनामोटो नहीं डाला। होटल में तो कैप्सिकम अजीनामोटो ज़्यादा डालते हैं ना तो टेस्टी बन जाता है। घर में बनाया है अजीनामोटो से ज़्यादा सॉल्ट है तो इसलिए इतना ज़्यादा टेस्टी तो नहीं बनाए पर भी इतना तो ठीक ही है, फर्स्ट टाइम ट्राई। ड्राई टाइप का बना है, थोड़ा कम ऑयल हो गया, कम ऑयल हो गया, थोड़ा ड्राई टाइप का बना है, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम ट्राई है तो इसलिए फर्स्ट टाइम में तो कुछ परफेक्ट नहीं बनेगा ना। गाइस मेरा बाल भी गीला है, अभी ना धो के मैंने ये काम शुरू किया था ना तो जब तक मैंने काम किया उस टाइम तक मेरे हेड में टॉवल था। अभी टॉवल निकाल के यहाँ पे वीडियो करने के लिए बैठी हूँ तो नहीं सूखा है टॉवल की वजह से। एग आप लोगों को भी खाना है तो मेरे घर में ही हमें बना के खिलाऊंगी, ठीक है? दिखने में टेस्टी दिख रहा है या नहीं आप लोग बताइए मुझे, कमेंट करिए। एग मेरा बाल अभी तक गीला है, मुझे गर्मी हो रहा है, बैंगलोर में बहुत गर्मी बढ़ रहा है। आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देखते हो वो भी कमेंट करके बताना, कहाँ कहाँ से आप लोग मेरा वीडियो देखते हो। ये कोक मैं कोक वगैरह कोक जूस ज़्यादा नहीं खाती हूँ तो इसलिए मैंने हाफ कप ही डाला है, देख ही लिया होगा आपने आप लोग ने।